जनपद पंचायत बरमकेला अंतर्गत 96 पंचायत मन के अधिकतर पंचायत मन म कोरोना काल म मनरेगा ले मजदूर मन ल रोजगार उपलब्ध कराए बर ज्यादा से ज्यादा काम कराए गईस, लेकिन सामग्री मन के भुगतान अभी तक नहीं हुए। सरपंच मन विकास करे और अपन अन्य समस्या ले लेके बरमकेला ब्लॉक के सरपंच संघ के बैठक करीन और आपस में विचार विमर्श करके पंचायत और सरपंच मन के सामने आवत परेशानी के विषय में चर्चा करके अपन मांग ला उच्च स्तर तक पहुंचाए के निर्णय करी। कुल मिला के सब बात के एक बात, कोरोना काल में ठप पड़े विकास कार्य मन ला गति रहे बर ज्यादा ले ज्यादा काम के स्वीकृति के संगे संग मनरेगा के पूरा हो चुके काम मन के समुचित भुगतान जल्द से जल्द करे की जरूरत है। मन मौजूद है, मन से जानना चाहबो कि सरपंच मन ला काम करे में जनता ला सुविधा दे में का का अड़चन आ गए, आज के बैठक में का का हुई सर बारे में सरपंच संघ अध्यक्ष ओंकार जी आप बताइए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि रोजगार सहायक और सचिव का हड़ताल चल रहा है, इसमें सरपंच लोग को बहुत तकलीफ हो रही है ना, आहरण नहीं हो पा रहा है ना, ढंग से कुछ काम नहीं हो रहा है ना, पेंशन की जानकारी नहीं मिल रही है ना कुछ नहीं, इसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि रोजगार गारंटी में हम लोग काम करते हैं, सामग्री राशि का भुगतान 6 महीने साल भर में एक बार हो रहा है, तो इसके लिए सरपंच संघ से मतलब सरकार से निवेदन है कि FTO का जल्दी कर जल्दी भुगतान करें। सरपंच संघ की बैठक आहूत की गई थी जिसमें जो है हमारे सरपंच भाइयों को विभिन्न मुद्दों में जो है समस्या होती है अपने ग्राम पंचायतों में कार्य करने में, निर्माण कार्य करने में, उसी संबंध में विशेष करके मनरेगा योजना में जो परेशानी हो रही है। सरपंच लोग तो काम कर लिए हैं लेकिन आज किसी का 6 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 8 महीना हो गया है, सामग्री भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जो आने वाले 1 महीना के अंदर हम शासन से मांग करते हैं कि अगर भुगतान नहीं होता है उस कंडीशन में समस्त सरपंच निर्माण कार्य बंद कर देंगे। ये पेंशन लिए जो पेंशन पात है 60 साल ले 62-65 साल हो गए, जाकर 2002 के सर्वे में नहीं है तो आज वो पेंशन नहीं मिलना चाहते हैं, अगर का प्रावधान है सब ला मिलना चाहिए शासन का। विधायक तो बोले हैं कि जिसका 60 साल हो जाएगा उसको पेंशन मिलेगा बोलकर बोले हैं, तो अभी तक नहीं मिल रहा है। पंचायत ब्लॉक में आएंगे तो नहीं होता है, क्या होगा उसको, क्या जानेगा प्रभु। जली योजना है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसको 2000 रुपये देना रहता है, वो 2018 से आना बंद है, और जो है जो हितग्राही रहता है उसके परिवार रहते हैं वो सरपंच लोगों को आकर जो है बार बार परेशान करते हैं, और उसका भुगतान सरपंच को अपने जेब से करना पड़ता है, और जितना भी भुगतान हुआ रहता है उसके लिए परेशानी उठाना पड़ता है सरपंच को, और अभी तक उसका राशि जो है आ नहीं पाया है। हम लोगों की मांग ये है, सरपंच लोगों की मांग ये है कि हम लोग मांग पत्र श्रद्धांजलि योजना की मांग पत्र जो है पंचायत से भेज देंगे। अब रुका था एक ब्रेक लेहे बार, आप मन बने रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज के संग में।